हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल अगेन। आई नो ये ट्यूटोरियल एक हफ्ते बाद में आ रहा है, बट यू नो वी गोना मेक 3D टेक्स्ट हियर, फर्स्ट एलिमेंट 3D ट्यूटोरियल ऑन दिस चैनल। इस वीडियो में मैं सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस करूंगा। यू नो जो भी चीजें हमको टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आई विल एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस यू टू ऑल ऑफ देम। बट एलिमेंट 3D से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमेशन एंड ऑल, जो कि इस पर्टिकुलर सीरीज के एंड होने के बाद में मैं कंटिन्यू करूंगा। तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विद That side, let us get started. So right now I have this text in my scene, जो कि मैंने you know last video में add किया था, and I will just remove it for now because I do not need it. और यहाँ पर जो ये मैंने word लिखा हुआ है, इसको मैं actually change कर देता हूँ. Let's change it to ugly में लिख देते हैं, okay? और मैं इसके ऊपर जो मैंने deep glow रखा हुआ है, उसको हटा देता हूँ, because we won't be needing this. और मैंने एक text layer create की basically. Okay, तो मैं यहाँ पर retro का phone जो मेरा favorite है, I will pick that. And yeah, तो हमारे टेक्स्ट है, आई विल डिसेबल इट, ओके? हमको टेक्स्ट सिर्फ रखना है, उसको इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल ऐड अ न्यू सॉलिड लेयर, ओके? और इसका मैं नाम दे देता हूं एलिमेंट। आई हैव अ सॉलिड लेयर व्हाइट कलर की, एंड यू विल सी जो सॉलिड लेयर है वो आ गई है। नाउ इसके ऊपर हम एलिमेंट 3D इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर एंड सर्च फॉर एलिमेंट, एंड हियर इट इज। मैं इसको इंटर प्रेस करके अप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही एलिमेंट 3D इफेक्ट अप्लाई होगा, वैसे ही जो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उस पर जो व्हाइट कलर था, इट इज नॉट विजिबल एनीमोर। नाउ हमें क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट लेयर को और इस एलिमेंट 3D इफेक्ट को लिंक करना है। यू नो एलिमेंट को बताना है कि ब्रो ये जो टेक्स्ट लेयर है इसको 3D में कन्वर्ट करना है। टू डू दैट वी विल गो टू कस्टम लेयर, और यहाँ पर वी हैव दिस कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क, और यहाँ पे पाथ के ऑप्शन है। पाथ इज बेसिकली कितने टेक्स्ट, अगर तुमको एक से ज्यादा टेक्स्ट, एक से ज्यादा मास्क वगैरह रखने हैं तो यू कैन सिलेक्टेड। बट फॉर नाउ मैं बस फर्स्ट वाले पे अपना जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो नाउ एलिमेंट नोज कि ये पर्टिकुलर जो लेयर है ये एग्जिस्ट करती है। नाउ वी विल क्लोज इट, और अभी कुछ सीन में हुआ नहीं है, बट एक्चुअली टू सी द 3D टेक्स्ट हम जाएंगे सीन सेटअप में। और जब मैं सीन सेटअप पे क्लिक करूंगा, यू विल सी कि एलिमेंट का खुद का जो इंटरफेस है अलग, वो ओपन हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आई विल एक्सप्लेन ऑल द नेसेसरी वंस लेटर इन दिस वीडियो, बट फॉर नाउ इन ऑर्डर टू सी आर 3D टेक्स्ट वी विल हिट दिस एक्सट्रूड बटन। ये क्या करेगा, जो हमने जो भी चीज सिलेक्ट की हुई है उस पाथ पे, उस पाथ वन पे, उसको एक्सट्रूड कर देगा। दैट मीन्स इट विल क्रिएट इट इन 3D। ये यहाँ पर आ गया है, आई विल हिट ओके। फॉर नाउ मैं बस ओके हिट कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोना चेंज एनीथिंग। एंड यू विल सी यहाँ पर एक टेक्स्ट आ गया विच इज अ लिटिल ऑफ वाइट। और इफ आई गो टू ग्रुप वन, ओके, I will tell you why this is group 1 and all. Then I go to particle replicator. I can move it like so. Okay, तो मुझे इसको नीचे रखना है थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। Then you can actually change its position from here. इसको तुम Z space में पीछे आगे कर सकते हो, but we are going to create it, you know, simple. जहाँ पर है वहीं रखेंगे। Then I will go to rotation. और अगर तुम्हें इसको rotate करना है, you can rotate it. And you can see it is actually 3D, okay? But for now, I'm not gonna change the rotation also. And अगर तुमको इसका scale change करना है in case, तो you can go to particle look. और यहाँ से तुम इस चीज का scale भी change कर सकते हो, okay? So now I will let it be 10 only. So this is basically how you can create 3 texts, but there are a lot of other things which we can change and manipulate and you know make it look better. So let us talk about those. So I am inside scene setup of element 3D again, और यहाँ पर बहुत सारे panel हैं, तो जो भी important ones हैं वो तो मैं समझा देता हूँ। The first one and the biggest one here is the preview panel. So basically जो भी तुम चीजें add कर रहे हो अपने scene में element 3D effect के अंदर, या model 3D model या जो भी चीजें add करोगे, वो यहाँ तुम्हें visible रहेगी। You know इसमें मूव करने के लिए यू कैन लेफ्ट क्लिक एंड मूव इट लाइक दिस, जिससे तुम कैमरा को मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, एंड स्क्रोल से तुम जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें इस टेक्स्ट को चेंज करना है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से तुम उसको रोटेट, स्केल या मूव कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। यू नो लेट्स से तुम्हारे सीन में अगर बहुत सारे एलिमेंट है, यू कैन चेंज इट, बट हम अभी सिंगल टेक्स्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वी वोंट बी डूइंग मच चेंजेस हियर। नेक्स्ट वी हैव दिस सीन, और इस सीन में जो भी तुम्हारे सीन के अंदर है वो तुम्हें लिस्ट के फॉर्म में विजिबल होगा। मेरे सीन में एक ग्रुप फोल्डर है, जो कि हमने इफेक्ट कंट्रोल पैनल के ऊपर देखा था। उसके अंदर वी हैव एक्सट्रूजन मॉडल, यानी कि ये मॉडल जो हमने सेट किया था कस्टम पाथ के ऊपर। ओके, यू कैन सी कस्टम पाथ वन, ये फर्स्ट पाथ ले रहा है जिसके ऊपर हमारा टेक्स्ट था। ओके, और बेवल, तो कंसीडर बेवल एज अ लेयर फॉर नाउ। बेवल यानी कि एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल। हम एक मॉडल के ऊपर अलग अलग लेयर्स लगा सकते हैं, विच वी विल बी डूइंग इन द मटेरियल सेक्शन। एंड लास्टली वी हैव दिस एडिट, जो भी ऑब्जेक्ट तुम ऊपर सिलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज जो भी तुम एडिट कर सकते हो वो नीचे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रुप सिलेक्ट करूंगा, तो आई कैन चेंज ग्रुप सेटिंग्स हियर,
मॉडल सेलेक्ट करूंगा तो मॉडल की सेटिंग्स, बेवल सेलेक्ट करूंगा तो बेवल की बहुत सारी सेटिंग्स। तो लेट अस लुक द प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू चेंज फॉर द टेक्स्ट। ओके, तो वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस टू आवर टेक्स्ट और लेट अस सी। तो मैं इस एक्सट्रूजन मॉडल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, जब यहाँ मैं इसको सिलेक्ट किया है तो इसी की प्रॉपर्टीज नहीं मुझे आ रही है। यहाँ पर हम नीचे ज्यादा प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेंगे। आई एम ओनली गोइंग टू चेंज अ फ्यू प्रॉपर्टीज हियर ओनली। द फर्स्ट थिंग इज कस्टम पाथ वन। अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई टेक्स्ट है जो कि अलग लेयर पर सिलेक्टेड है, यू कैन चेंज इट। बट यहाँ पर मैंने मेरी टाइमलाइन पे एक ही टेक्स्ट था, आई विल सिलेक्ट कस्टम पाथ वन ओनली। और बेवल की कॉपीज, यू कैन कीप मल्टीपल कॉपीज। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना कीप इट टू। और यू विल सी कि अभी वो हमको यहाँ पर दो बेवल दिखा रहा है, हमारे जो प्रीव्यू है उस पर विजिबल नहीं है वो। यू कैन ईदर चेंज जी ऑफसेट या फिर तुम इसको यू नो ऑफसेट मोड को एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव कर दोगे। यू विल सी कि यहाँ पर अभी हमारे पास दो डिफरेंट लेयर है टेक्स्ट की। इट इज द सेम टेक्स्ट बट, और उसके अलावा ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। यू कैन जस्ट गो टू द बेवल। हमें इस बेवल में बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। द फर्स्ट वन इज दिस एक्सट्रूड। एक्सट्रूड इज बेसिकली उसकी डेप्थ कितनी रखनी है उस टेक्स्ट की। तो इफ आई विल इंक्रीज इट, यू विल सी वो थिक हो रहा है। यू नो उसकी जो जी स्पेस में डेप्थ है वो इंक्रीज हो रही है। सो लेट्स मेक इट 2.5 समथिंग और मे बी अ लिट मोर लाइक दिस। वी हैव द एक्सपैंड एजेस। ओके, एक्सपैंड एजेस इज बेसिकली वो उसकी जो आउटलाइन है पूरे, यू नो उसकी जो एजेस है, उसके जो फेसेस है, उनको एक्सपैंड कर देगा। तो इफ आई इंक्रीज इट यू विल सी, तो इट इज मेकिंग इट अ बिट थिकर। देन वी हैव द बेवल साइज, बेवल डेप्थ एंड बेवल सेगमेंट एंड बेवल कर्व। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर एज। तो अगर मैं बेवल साइज को जीरो कर दूंगा, यू विल सी जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल शार्प एज पे एक एंड हो रहा है, विच इज नॉट व्हाट वी वांट। क्योंकि यू नो इट डजंट, इट विल मेक इट लुक अ बिट चॉपी एंड इट विल यू नो विल नॉट लुक वेल टू द आईज। हम इसको थोड़ा सा स्मूथ आउट कर देंगे एज को। ओके, यहाँ से तुम उसकी डेप्थ इंक्रीज कर सकते हो। इट अप टू यू, यू नो तुम्हें कितना स्मूथ आउट रखना है। I usually don't have a value, मैं इसको randomly ही change करता हूँ। पर segment तुम change कर सकते हो। For example, like अगर मैंने यहाँ पर एक segment रखा हुआ तो it is just one segment here, यानी कि it is going flat, then it is like ऐसा angle पे ही है, then it goes flat again। और अगर मैं increase करूँगा segments, it will smooth out। Okay, तो मैं अभी के लिए इसको बस 2 या 3 कर दूंगा। And bevel curve you can change, it is like beveling it from inside instead of beveling it from outside। तो इसको मैं 1 पे ही रखूंगा, I will not change it। And Z offset से तुम you know उसका Z offset चेंज कर सकते हो, इन केस यू वांट सम डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट। सो लेट्स मेक इट लाइक दैट ओनली। ओके, और लास्टली जैसे बेवल तुमने जो किया है वो अभी फ्रंट में से हुआ है ना, यू कैन जस्ट इनेबल इट ऑन बैक साइड आल्सो, तो वो पीछे से भी थोड़ा सा स्मूथ आउट हो जाएगा। इफ आई डिसेबल इट यू कैन सी द चेंजेस। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। अभी मैं सेकंड बेवल पे जाऊंगा एंड आई हैव बेवल इनेबल्ड, इस पे भी ऑलरेडी इनेबल्ड है। एंड आई विल यू नो इसका एक्सट्रूजन मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, मेक इट अ बिट थिनर। और Maybe, yeah, this looks good. इसको भी मैं पीछे से बेवल कर देता हूँ। So, मैंने दो बेवल वाला एक ये जो टेक्स्ट है ये क्रिएट कर लिया है। अब वी आर गोइंग टू अप्लाई मटेरियल ऑन दीज। ओके, हमारा टेक्स्ट जो है वो तो हमने क्रिएट कर लिया है, अभी मटेरियल अप्लाई करना है। बट बिफोर डूइंग दैट देर आर थिंग्स दैट यू शुड डू। द फर्स्ट वन इज डिसेबल दिस ड्राफ्ट टेक्सचर। तो तुम्हें जो तुम्हारा मटेरियल टेक्सचर जो भी तुम अप्लाई करोगे वो थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा। एंड द सेकंड वन इज यू कैन इनेबल एम्बिएंट ऑक्लूजन। हमारी जो शेडिंग है वो थोड़ी सी वेल डिफाइंड रहेगी। ओके, मटेरियल अगर तुम्हें नॉर्मल रखना है, फॉर एग्जांपल यू जस्ट वांट अ सिंपल कलर, तो मैं बेवल 1 सिलेक्ट करता हूँ। मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा एंड यू नो वी हैव दिस डिफ्यूज कलर और मैं इसका कलर कुछ भी रख सकता हूँ। एंड हियर वी हैव अप्लाइड द कलर टू इट और इसके ऊपर यू नो आई कैन चेंज इट्स रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस, तुम्हारे हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो। दिस इज ओके, इन केस यू वांट इट यू कैन कीप इट। बट अगर तुम्हें थोड़े डिफरेंट मटेरियल चाहिए, ओके ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू यूज देम। यहाँ पर सेट के अंदर यू विल हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल्स देयर। ओके, तुम्हारे पास बेसिकली फिजिकल जो है ये इंस्टॉल्ड आता है। अगर तुम्हें एडिशनल मटेरियल चाहिए यू कैन गो टू प्रो शेडर्स और प्रो शेडर्स 2। बट फॉर नाउ मैं बस फिजिकल सेलेक्ट करूंगा। आई विल गिव दिस, आई विल सेलेक्ट माय बेवल और यू कैन सेलेक्ट एनी मटेरियल हियर। तो मैं इस क्रोम पे डबल क्लिक करूंगा एंड यू विल सी कि वो मटेरियल मेरी जो लेयर है उसके ऊपर अप्लाई हो गया है। और यू कैन इधर यू नो जस्ट ड्रैग योर मटेरियल ऑन द बेवल यू वांट टू अप्लाई इट ऑन, या फिर तुम इसे सिंपली ड्रैग भी कर सकते हो यहाँ पर, या फिर यू कैन ड्रैग इट हियर ऑल्सो। तो देर आर 3 वेज टू डू इट। जो फ्रंट वाला है उसको मैं थोड़ा डिफरेंट मटेरियल देना चाहता हूँ, अ बिट रफ। ओके,
तो मैं उसमें प्रो शेडर्स के अंदर जो मेटल है कि आई विल पिक एनी वन ऑफ दीज व्हिच लुक्स फाइन टू मी ओके लेट्स ट्राई दिस आई वांट अ बिट आई एम जस्ट ट्राइंग रैंडम मटेरियल हियर ओके दिस लुक्स फाइन टू मी तो बेसिकली मैंने ये क्रोम टाइप लुक बना दिया है एंड वी आर गोना हिट ओके नाउ एंड यू कैन सी जो भी हमने चेंजेस किए थे वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज कि ये ये टेक्स्ट लग नहीं रहा है कि इट बिलोंग्स टू दिस एनवायरनमेंट यू नो इट इज लुकिंग अ बिट ऑफ मैं चाहूं तो इसको एनिमेट कर सकता हूं एंड आई कैन पुट इट लाइक दैट बट इट इज लुकिंग ऑफ सो नाउ वी आर गोइंग टू सेट द एनवायरनमेंट एंड लाइटिंग सो दैट इट मैचेस विद आवर सीन सो यू कैन सी जो हमारा अभी बैकग्राउंड है जो कैरेक्टर जहाँ पर है ये एक सनसेट का सीन है इवनिंग का सीन है और यहाँ पे बहुत कम सनलाइट विजिबल है बिकॉज हमारे जो कैरेक्टर है उसके ऊपर कोई हाईलाइट हमको विजिबल नहीं है एंड जो बॉटम लेफ्ट है वहां पर थोड़ी सी लाइट हमको दिख रही है सो वी कैन एक्चुअली यू नो तो विद दैट वी कैन गेस कि जो लाइट है वो समवेयर अराउंड हियर है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम एनवायरनमेंट को सेट करेंगे मैं जाऊंगा सीन सेटअप में यू कैन सी हमारा जो टेक्स्ट है वो अभी वाइट वाइट है और अगर मैं यहाँ पर इनेबल करूँ इस एनवायरनमेंट ऑप्शन को यू विल सी हमारे पास एक डिफॉल्ट जो एनवायरनमेंट आता है वो ही अप्लाइड है तीन लाइट्स है एंड देयर इज अ एम्प्टी बैकग्राउंड तो हमको इसको चेंज करना है नाउ एलिमेंट के अंदर प्रीसेट में यू हैव दिस एनवायरनमेंट पैनल और इसमें तुम्हें काफी सारे बेसिक एनवायरनमेंट मिल जाएंगे और अगर तुम्हारे सीन को ये सूट करता है तो यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम और अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट लगाना है समथिंग वेरी स्पेसिफिक और सिमिलर टू योर सीन तो यहाँ पे जाओगे एनवायरनमेंट में एंड यू कैन पिक एन एच डी आर आई देर इज दिस वेबसाइट polyheaven.com और यहाँ पे तुम यू नो एच डी आर आई और एनवायरमेंट अपने सीन के लिए पिक कर सकते हो जैसा भी तुम्हें एनवायरमेंट चाहिए तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे सनसेट और सनराइज का जो सेक्शन है मैं उनमें से कुछ पिक कर लूंगा एंड देन आई एम गोना गो टू एलिमेंट अगेन यहाँ पे ये जो एनवायरमेंट है इस पे मैं क्लिक करूंगा देन आई विल क्लिक हियर ऑन दिस बटन लाइक दिस और यहाँ पर हमें कोई भी एच डी आर आई जो अलग से मैंने डाउनलोड किया है वो भी पिक कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ तीन अलग एच डी आर आई जो है वो सिलेक्ट की थी एंड आई एम गोना पिक दिस वन तो आई हैव सिलेक्टेड दिस वन और इसकी सेटिंग्स जो है यहाँ पर तुम चेंज कर सकते हो कि तुम्हें कितना ब्राइट रखना है और बाकी सेटिंग्स कितनी रखनी है तो आई एम जस्ट गोना इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट अ बिट और ब्राइटनेस में बहुत कम कर लूंगा लाइक दिस यू नो तुम इसकी बाकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो नाउ आई विल हिट ओके एंड यू विल सी इस सीन में हमारा जो सन है वो यहाँ पर कहीं है ओके यू कैन सी बट हमें जो हमारा एनिमे वाला जो सीन है उसमें सन अराउंड समवेयर हियर था राइट समवेयर हियर तो हमको इस एनवायरनमेंट को थोड़ा ऑफसेट करना है मैं जाऊंगा एनवायरनमेंट में और यहाँ जो यूवी ऑफसेट है आई विल चेंज इट लाइक सो ताकि जो सन है उसकी पोजीशन समवेयर अराउंड हियर हो जाए आई विल चेंज इट अ बिट मोर लाइक दिस और इसको थोड़ा नीचे ले जाना है मुझे एंड आई विल हिट ओके तो दिस इज हाउ टेक्स्ट इज लुकिंग तो बेसिकली लाइट उसके इस लेफ्ट साइड से आ रही है और द बैकग्राउंड इज प्लेन तो आई विल इट ओके एंड यू कैन सी हाउ इट हैज चेंज्ड आवर टेक्स्ट और टेक्स्ट अभी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि या इट बिलोंग्स टू दिस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बट अभी भी हम बहुत सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं तो आई गो टू दिस रेंडर सेटिंग्स यहाँ पर है फिजिकल एनवायरनमेंट एंड आई विल इनेबल इट और अगर मैं इसको बैकग्राउंड में इनेबल करूँ यू कैन सी हमारे पास वही वाला बैकग्राउंड है अगर तुम्हें बाद में इसका रोटेशन चेंज करना यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर यू नो जिस तरह का रोटेशन तुम्हें रखना है आई विल जस्ट एक्चुअली इंक्रीज इट लाइक दिस मैं इसका एक्सपोजर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से हाउ ब्राइट आई वॉन्ट इट और यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा अगर टिंट देना है तो लेट्स से मुझे यू नो इस सीन में थोड़ा पिंक पर्पल जैसा कुछ टिंट मुझे लग रहा है सो आई कैन जस्ट एड सम टिंट हियर जस्ट टाइनी बिट तो वी हैव डन इट नाउ इसके बाद में हम बात करेंगे अभी लाइट और शेडो की सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट टॉपिक नाउ व्हेन वी हैव एडेड द एनवायरनमेंट आल्सो ये जो टेक्स्ट है वो काफी हद तक ऐसा लग रहा है दैट इट बिलोंग्स टू दिस एनवायरनमेंट बट अभी हम लाइटिंग शेडोज जो है उनको थोड़ा चेंज करेंगे और इसका जो थोड़ा लुक है उसको इम्प्रोवाइज करेंगे ओके द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू यू नो इट इज अप टू यू कि तुम्हें कैसा चाहिए यू कैन सी ये जो टेक्स्ट है इसमें यू हैव दीज रफ एजेस ओके अगर तुम्हें इससे चलता तो यू कैन यू नो यूज देम बट आउटपुट में जाकर यू कैन एक्चुअली चेंज द सैंपलिंग वैल्यूज तो राइट नाउ इट इज सेट टू 8 सुपर सैंपलिंग 0 और एनहांस सैंपलिंग डिसेबल्ड मैं इनको कभी चेंज नहीं करता हूं आई एम बीइंग ऑनेस्ट बट अगर तुम्हें चेंज करना है इन स्पेसिफिक सिनेरियोस ओके तो तुम इनकी वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हो एंड यू नो वो जो एजेस तरफ तुम्हें दिख रही थी दे विल
बिकम मोर शार्पर, तुम इनहांस इनेबल कर सकते हो, तो इट विल जस्ट रिमूव गेट रिड ऑफ ऑल दोज थिंग्स, और सुपर सैम्पलिंग इनेबल कर सकते हो, और ज्यादा शार्प हो जाएंगी तुम्हारी जो एजेस है, बट आई जस्ट कीप इट टू 0 ओनली, तो मैं इनको चेंज नहीं करूंगा एक्चुअली, इट्स अप टू यू, इफ यू वॉन्ट टू चेंज यू कैन चेंज, ओके। नेक्स्ट थिंग जो है वो है एम्बियंट ऑक्लूजन, और इसको मैं इनेबल कर दूंगा, ओके। आफ्टर दैट आई विल गो, इसको तुम रे ट्रेस्ट पे सेट कर देना सो दैट यू हैव बेटर शेडिंग्स एंड हाईलाइट्स, ओके। नेक्स्ट इज लाइटिंग एंड शेडो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक्चुअली एड एन एडिशनल लाइट, एंड आई विल एड न्यू लाइट, और लेट्स कीप इट पैरेलल, और इसका कलर मैंने बैकग्राउंड से सेलेक्ट किया हुआ, एंड लेट्स मेक इट 500 इंटेंसिटी का, मैं 500 करके ओके कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी जो वो लाइट है वो हमारे टेक्स्ट को अफेक्ट कर रही है, बट आई विल गो टू टॉप, और इसकी पोजीशन को मैं कर दूंगा लेफ्ट में, जिधर जो सन की पोजीशन है वही कर रहा हूँ मैं, एंड आई विल गो टू फ्रंट, एंड देन आई विल मेक इट हियर एंड लाइक दिस, एंड आई विल गो टू एक्टिव कैमरा अगेन, और मैंने जो लाइट है को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू माई सीन, एंड देन यहाँ पर एलिमेंट में जाके लाइटिंग, यू नो आई एम यूजिंग द कॉम्प्लेक्स, सो यू कैन सी हाउ इट इज मेकिंग सटल डिफरेंस, तो हमें लेफ्ट साइड से थोड़ी लाइट आती हुई दिख रही है। नाउ अगर तुम चाहो तो तुम यू नो ये बहुत सारे यहाँ पर प्रीसेट है, तुम इनमें से कोई पिक कर सकते हो, बट आई विल नॉट पिक एनी ऑफ दिस, आई विल जस्ट लेट इट बी। देन शेडोज जो ऑप्शन है इसको तुम इनेबल कर दो, बिकॉज जब हम एनिमेट करेंगे ना इस टेक्स्ट को, तो हमें चाहिएगा कि यार शेडोज विजिबल हो, सो दैट इट लुक्स मोर रियलिस्टिक, और इसको भी तुम रिट्रेस कर सकते हो। तो नाउ हमने टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ऐड कर दिया है, उसकी यू नो वी हैव एडेड लाइटिंग शेडोज, और हमने पूरा एनवायरनमेंट भी सेट कर लिया। नाउ लेट्स एनिमेट दिस टेक्स्ट, ओके। सो मैंने मेरा जो टेक्स्ट है उसके मटेरियल्स और लाइट्स वगैरह को डिसेबल कर दिया है, सो दैट आई कैन एनिमेट देम, और मैं प्रीव्यू थोड़ा फास्टर ले सकूं, बाद में मैं उसको इनेबल कर दूंगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो मेरा टेक्स्ट है आई विल सिलेक्ट द ग्रुप वन, जिसमें पार्टिकल लुक्स में जाऊंगा, आई विल गो टू मल्टी ऑब्जेक्ट, और इसे मैं इनेबल कर दूंगा। व्हाट मल्टी ऑब्जेक्ट डज इज, ये जो कैरेक्टर्स है इसको इन्होंने इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बना दिया, यानी आई कैन यू नो आई कैन कंट्रोल देम इंडिविजुअली, यानी कि अगर मैं साइज को डिक्रीज करूंगा यू विल सी वो अपने खुद के एक्सेस पे ही उनका साइज इंडिविजुअली डिक्रीज हो रहा है। आई कैन चेंज अ बंच ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइक मैं डिस्प्लेस चेंज कर सकता हूँ उसका, यू नो आई कैन रोटेट देम ऑन देयर ओन एक्सेस, बट फॉर नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू एनिमेट इज रैंडम रोटेशन, तो इसको मैं एनिमेट कर लेता हूँ, और जो डिस्प्लेस है इसको मैं एनिमेट कर लेता हूँ। आई विल हिट यू ऑन माई कीबोर्ड, और इन की फ्रेम को मैं स्टार्ट में ले जाऊंगा, स्टार्ट में मुझे रैंडमाइजेशन थोड़ा मैं कम कर देता हूँ लाइक दिस, और जो डिस्प्लेस है उसको मैं बहुत कम कर लूंगा लाइक दिस, ताकि सारे जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े कंप्रेस लगे। एंड में जाऊंगा और डिस्प्लेस को मैं इंक्रीज कर दूंगा लाइक दिस, और जो रोटेशन है उसको मैं ऑपोजिट वे में इंक्रीज कर दूंगा लाइक दिस, मच इज इनफ, इट डिपेंड्स तुम्हें कितना रोटेट करना है। देन दोनों को मैं इजी करूंगा F9 प्रेस करके कीबोर्ड पर, आई विल सिलेक्ट द की फ्रेम्स, और मैं इसके ग्राफ को कुछ ऐसा बना दूंगा दैट इट इज यू नो मच हायर इन द बिगिनिंग, एंड धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स, इट लुक्स गुड, बट मुझे इसमें थोड़ा सा वाई का विगल भी चाहिए, वाई का विगल यानी लाइक कैरेक्टर ऊपर नीचे ऐसा लूप कर रहे हो। तो टू डू दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहां मैं आऊंगा पोजीशन नॉइज पे, और पोजीशन नॉइज में to increase this noise amount on Y, but इसको मैं बहुत slightly change करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा increase करने पे भी बहुत ज़्यादा change हो जाता है। If I make it 0.1, you will see कि even 0.1 पे वो बहुत ज़्यादा change हो गया है। I do not want this much, तो मैं इसकी value 0.03 कर रहा हूँ, okay, 0.0 या फिर उससे भी कम, you know, depend करता है, वैसे बहुत कम रखना है, that's the thing। And इसके बाद में ये जो noise है, noise evolution है, आई विल अल्ट प्रेस करके मैं इसकी स्टॉपवॉच पे क्लिक करूंगा, यू नो अल्ट प्रेस किया हुआ है, एंड आई विल क्लिक ऑन माय एंड आई विल क्लिक ऑन दिस स्टॉपवॉच हियर, तो मैं इसमें एक एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ, आई विल पुट इन एक्सप्रेशन, आई विल पुट इन एक्सप्रेशन टाइम स्टार 50 पुट करके देखते हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। यू कैन सी जो कैरेक्टर्स है वो विगल कर रहे हैं, बट आई वॉन्ट कि इसका अमाउंट थोड़ा कम हो, तो मैं इसमें इसको 0.2 कर लेता हूँ, और इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ से बढ़ा दूंगा टाइम 100 करके देखते हैं। अभी नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज इनेबल आर मटेरियल, तो मैं सीन सेटअप में जाऊंगा, सर आई विल गो हियर, और यहाँ पर जो मैंने मटेरियल्स को डिसेबल किया था आई विल enable them again and I will hit okay. Now if you don't like the look of it, तुम particle look में जाकर you have this random seed here, तुम इसको change कर सकते हो जैसा तुम्हें चाहिए, और अगर तुम चाहो तो तुम motion blur जो है वो भी enable कर सकते हो, तो I will just सेलेक्ट दिस लेयर, इस पर मोशन ब्लर में इनेबल कर दूंगा, एंड इट विल टेक सेटिंग्स फ्रॉम योर कॉम्प सेटिंग, बट अगर तुम कुछ स्पेसिफिक रखना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, यू कैन गो टू रेंडर सेटिंग्स हियर, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा ऑप्शन मोशन ब्लर का, एंड मोशन ब्लर में तुम इसको या तो ऑन ऑफ कर सकते हो, या इसके सैंपल्स यहाँ पे बढ़ा सकते हो, बट यू नो मोर सैंपल्स विल टेक मोर प्रोसेसिंग टाइम, एंड यू कैन सी वी हैव एडेड सम 3D टेक्स्ट ऑन आवर सीन, ओके। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो यू नो वो मैंने
तीनों लेयर बनाई थी, लाइट और एलिमेंट और टेक्स्ट की, उनको मैं बस कॉपी पेस्ट करूंगा अलग अलग सीन के अंदर और लाइट वगैरह चेंज कर दूंगा, तो एलिमेंट 3D पे जाऊंगा मैं एंड यू नो इस पे टेक्स्ट वो हट चुका है एंड द रीजन इज बिकॉज हमको इसको फिर से रीअसाइन करना पड़ेगा कस्टम लेयर में जाके। आई विल हैव टू सिलेक्ट द लेयर अगेन एंड इट विल बी बैक अगेन हियर। और यहाँ पे लेट्स से मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ ऑक्सिन आई वांट टू टाइप सॉरी, तो वो सॉरी जो टेक्स्ट है वो हमको यहाँ पे विजिबल रहेगा। So let's see how both of the text looks together now. B press करूँगा और यहाँ पे actually I can change the text anytime. तो यहाँ पर जो text originally था pervert, I will just type it down like that. और there is a possibility ये text बहुत ज़्यादा बड़ा है, so I will just go and इसको मैं I'll just go here और इनके particles का size में increase कर दूँ, reduce कर दूँगा like that. Let's see. और मैं अब इसको preview करता हूँ। तो मैंने जो टेक्स्ट था जो एलिमेंट 3D की लेयर थी उसको बाकी कॉम्पोजिशन पे कॉपी पेस्ट कर दिया है एंड आई हैव चेंज द टेक्स्ट और मैंने उसके ऊपर डीप ग्लो लगा दिया है। सो लेट अस हैव अ प्रीव्यू नाउ। तू मेरा कोई ना हो के भी, तू मेरा कोई ना हो के भी, तू मेरा कोई ना हो के भी। So this was it for the video. We added 3D text in our scene. Next video mein probably element 3D ya fir particular ke upar hoga. If you have any doubts or suggestions, you can comment down. Like this video, share and thanks for watching. See you in the next one and have a great day.